आप सभी का स्टडी सर्कल में और हम बात कर रहे हैं भारतीय संसद पर आधारित प्रश्न सेट को लेकर। और ये प्रश्न सेट 9वां है, तो बहुत ही बेहतरीन सवाल हैं, 15 सवाल हैं इसमें, है ना। और हम साथ में व्याख्या भी करते चलेंगे कुछ कुछ सवालों का। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है कि आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं। चार विकल्प हैं: राष्ट्रीय संकट के समय, संसदीय स्वीकृति के बाद, संसदीय स्वीकृति से पूर्व, या फिर व्यय नहीं कर सकते। हमको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पे विकल्प सी सही हो जाएगा, संसदीय स्वीकृति से पूर्व। देखिए, अब थोड़ी सी बात कर लें आकस्मिकता निधि की। तो आकस्मिकता निधि का जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267 है, वो उसकी आकस्मिकता निधि की स्थापना का प्रावधान करता है। इसके अलावा यह राष्ट्रपति के नियंत्रण में होता है, और जब कुछ आकस्मिक प्रवृत्ति का कोई व्यय करना हो तब इससे पैसा खर्च किया जाता है, और राष्ट्रपति इसमें बिना किसी स्वीकृति के इस फंड का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 2 की बात कर लें। तो प्रश्न नंबर 2 है कि करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। कहाँ जमा होता है ये? चार विकल्प हैं: भारत की आकस्मिकता निधि में, लोकलेखे में, भारत की संचित निधि में, या फिर निक्षेप तथा अग्रिम निधि में। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा सी, भारत की संचित निधि में ये राजस्व जमा होता है, अनुच्छेद 266 के तहत। प्रश्न नंबर 3 की बात कर लें। तो प्रश्न नंबर 3 है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111, या फिर अनुच्छेद 113। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा बी, अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। प्रश्न नंबर 4 की बात कर लें। तो प्रश्न नंबर 4 है कि यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? चार विकल्प हैं: राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, या फिर मंत्रिपरिषद। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, लोकसभा अध्यक्ष। अनुच्छेद 110(3) के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय किया जाता है, और लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम निर्णय होता है किसी भी विधेयक के संबंध में। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? ठीक है, इसमें चार कथन हैं। पहला कथन है कि धन विधेयक संसद के दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, और बी विकल्प है कि लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करने के लिए अंतिम प्राधिकारी है कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं, और सी विकल्प है कि लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक का राज्यसभा द्वारा 14 दिनों के अंदर लौटाया जाना और विचारार्थ भेजा जाना आवश्यक है, और डी विकल्प है कि राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। हमको बताना है कि इनमें से कौन सा धन विधेयक के बारे में सही नहीं है। तो विकल्प ए सही नहीं है, यानी कि धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, यह कथन सही नहीं है, क्योंकि क्या है, धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत के संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है, कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्यसभा में, लोकलेखा समिति में, लोकसभा में, लोकसभा और राज्यसभा में एक ही साथ। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा सी, लोकसभा में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, चार कथन है यहाँ पे, हमको बताना कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे विकल्प बी, ये वाला कथन सही नहीं है कि धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, बाकी सभी कथन सही हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि कोई विधेयक जिसमें केवल
व्यय अंतर्वलित है और अनुच्छेद 110 में शामिल विषय उसमें सम्मिलित नहीं है उसे। चार विकल्प दिए हुए हैं, बताना है कि कहाँ से प्रारंभ किया जा सकता है। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, बिल्कुल साधारण विधेयक की तरह। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में निम्न में से कौन सी बात सही नहीं है। यहाँ भी चार विकल्प हैं, हमको बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है संसद के नियंत्रण को लेकर। ये विकल्प देखिए आप, है ना। तो यहाँ पे बी विकल्प सही नहीं है कि संसद को समेकित निधि पर प्रभारित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है, ऐसा नहीं है। बल्कि ये इस पर चर्चा किया जा सकता है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 में 5 कथन दिए गए हैं, उसको हमको फिर सही उत्तर का चयन करना है। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधियां भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम आती हैं। 5 कथन है। पहला है संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना। दूसरा है कि विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना। तीसरा है कि अनुपूरक अनुदानों तथा लेखानुदान का प्रावधान। और चौथा है संसदीय बजट कार्यालय द्वारा समष्टिगत आर्थिक पूर्वानुमानों तथा व्यय हेतु सरकार के कार्यक्रम का एक नियतकालिक अथवा कम से कम मध्यवर्षीय पुनरावलोकन। और पांचवा है संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना। अब क्या है, हमको कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। ए में है 1, 2, 3, 5 सही है, और बी में है 1, 2, 4 सही है, सी में है केवल 3, 4 और 5 सही है, डी में है कि ये सभी सही है। हमको बताना कि इनमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पे जो विकल्प जो कथन है चौथा कथन वो गलत है, बाकी सभी सही है। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में से कौन संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है। राजस्व विभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्तीय सेवाएं विभाग या फिर व्यय विभाग। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, आर्थिक कार्य विभाग, जो कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय का एक विभाग है जो कि संघीय बजट की तैयारी और उसको संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है। तो सही विकल्प बी, आर्थिक कार्य विभाग। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 में है कि यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो क्या होता है। चार विकल्प हैं, बताना है इनमें से क्या सही होगा। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। और अगर बजट सरकार पेश नहीं करती, इसका मतलब ये माना जाता है कि लोकसभा में जो है सरकार अल्पमत में आ गई है, और ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र प्रस्तुत कर देते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कब। चार विकल्प हैं, यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा ए, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतीकरण के पूर्व। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि लेखानुदान जो है ये संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है, किस चीज़ की अनुमति प्रदान करता है। चार विकल्प हैं, तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए अनुच्छेद 116 के तहत। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि संसद में लेखा के लिए वोट कब आवश्यक होता है या आवश्यक होता है, ये पूछा गया है। चार विकल्प हैं ए, बी, सी, डी, बताना कि इनमें से कौन सा सही है। इसका सही विकल्प हो जाएगा
सी जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती तब संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है। तो यहाँ पर सही विकल्प सी हो जाएगा। तो ये था भारतीय संविधान के भारतीय संसद पर आधारित प्रश्नों का सेट। नमस्कार, जय हिंद।